फ्रेंड्स, सरस्वती ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम एक नए विषय के बारे में बात करेंगे। विषय है विज्ञान साइंस और उसका टॉपिक लेंगे हम जीव विज्ञान। विज्ञान का एक अंग है जीव विज्ञान, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान या बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम नेगलेक्ट कर जाते हैं। आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन आपको इसका इतिहास नहीं पता। और जब तक हमें किसी चीज़ का इतिहास नहीं पता होता तो उस चीज़ को हमें पढ़ना व्यर्थ है। एक बात है कि अगर किसी एग्ज़ाम में आपके आ जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अब सिंपली क्वेश्चन है लेकिन आपको नहीं पता। आपने जीव विज्ञान पूरा पढ़ा है, बायोलॉजी पूरी पढ़ी है, लेकिन आपको नहीं पता। जीव विज्ञान के पार्टीशन है, जैसे आप बात कीजिए जूलॉजी, बॉटनी, आपसे पूछ लिया जाए कि जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है, बॉटनी में कौन आते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, किसने इनका वर्गीकरण किया, इन सब चीज़ों के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी टॉपिक की शुरुआत अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में क्यूरियोसिटी होगी, आपको जानने की इच्छा होगी, आप उसके बारे में और ज़्यादा विश्लेषण करने की कोशिश करोगे। इसलिए हमें इस टॉपिक का पहले इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, अरस्तु वह पहले इंसान थे जिन्होंने जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया, विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द बायोस और लॉगस दो शब्दों से मिला है, मिलकर बना है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। अगर इसका हम विश्लेषण करें, अगर हम इसको पूरा देखें तो ये क्या हुआ, लाइफ की स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। इस शब्द का यूज बायोलॉजी शब्द का जो यूज किया था सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। तो इस शब्द को यूज करने का जो श्रेय जाता है वो इन दो वैज्ञानिकों को जाता है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। अब देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु, जबकि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अब देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। नंबर एक है वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहा जाता है, दूसरा है प्राणी विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहा जाता है। अब जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि वनस्पति विज्ञान यानी जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता होगा वह वनस्पति विज्ञान है, और प्राणी विज्ञान जिसमें जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है वह प्राणी विज्ञान या जूलॉजी हो गया। नेक्स्ट लाइन है पुस्तक, एक पुस्तक हुई है हिस्टोरिया प्लांटरम, ये थियोफ्रेस्टस नामक एक वनस्पति के हुए थे, यानी आप कह सकते हो कि एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने यह किताब लिखी थी, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने, जिसमें उन्होंने 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया था। इस किताब की वजह से उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी आप कह सकते हो कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के पिता। इसी प्रकार हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक एक पुस्तक लिखी अरस्तु ने, जो प्राणियों के ऊपर यानी जानवरों के ऊपर, जंतुओं के ऊपर थी, जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का विश्लेषण करके वो किताब लिखी थी, इसलिए प्राणी विज्ञान या जूलॉजी का जनक कहा जाता है, या जो जूलॉजी के पिता कहा जाते हैं, अरस्तु। अब आपके पास तीन क्वेश्चन है दोस्तों,
जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जबकि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का जो वर्गीकरण है उसका वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी जो आधुनिक आधुनिक का मतलब आज वर्तमान में तो वर्गीकरण दूसरा चल रहा है जिसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है उससे पहले जो चल रहा था वर्गीकरण, उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो था कैरोलस लीनियस का। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टमा नेचुरई, जिसमें उन्होंने जीवधारियों को दो किंगडम्स में बांटा था। पहला किंगडम था प्लांट और सेकंड था एनिमल, यानी पादप जगत और जंतु जगत। इसलिए इन्हें वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब क्या हुआ दोस्तों, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का जो स्थान था वो आरएच वीटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित पांच जगत प्रणाली ने ले लिया। इस जगत प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने किंगडम्स को पांच भागों में बांटा, जो इस प्रकार है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप या प्लांटी, कवक या फंगी और एनिमिलिया। अब हम इनकी डिटेलिंग देख लेते हैं। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, इस तरीके के आइटम आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? ये एक प्रकार की यानी कोशिका होती है। जब हम कोशिका वाला चैप्टर करेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ एक रट्टा मार लीजिए कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर आमतौर पर बैक्टीरिया ही रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय और एक कोशिकीय भी प्राय वो जो जलीय यूकैरियोटिक जीव हो। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक कोशिका के प्रकार हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। साथ ही साथ इसमें युगलीना भी आता है। युगलीना क्या होता है? यह पादप और जंतु के बीच के जगत का होता है, ठीक है। यह अर्थात ये दो प्रकार की जीवन शैली जीता है, दोहरी जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। जब अगर इसे सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो यह स्वपोषित हो जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। स्वपोषित जैसे पौधे हैं वो किस में आते हैं? स्वपोषित में आते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ये सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो ये स्वपोषित हो जाता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले यानी प्रकाश का अभाव हो तो यह इतर पोषित हो जाता है, यानी ये दूसरों पर निर्भर भी हो जाता है। तो यह दोहरी भूमिका निभाता है, इसीलिए यह पादप और जंतु दोनों के बीच का एक पार्टीशन में आता है, ठीक है। इसे युगलीना कहा जाता है और यह भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट या पादप की। प्लांटी या पादप नाम से पता लग रहा है, इसमें कौन कौन से आएंगे? शैवाल, मॉस, पुष्पीय बीज, जो भी हमारे पास पेड़ पौधे जो भी हैं वो सब पादप में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगी या कवक की। इसमें यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी आते हैं। वहाँ प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक था लेकिन वो एक कोशिकीय था, यहाँ यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय की हम बात कर रहे हैं और ये परपोषित जीवधारी होते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि दूसरे पर यानी दूसरे पदार्थ पर या दूसरी चीज़ पर, दूसरे जीव पर आधारित रहते हैं। एक ब्रैकेट में मैंने लाइन लिखी कि इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, यानी ये अवशोषण से उससे यानी अपना जो भोजन है दूसरे पर आधारित होता है। जैसे आपने देखा होगा फंगी तो आप आमतौर पर अपने आसपास देखते ही रहते हो, जैसे ब्रेड होती है, आपने ब्रेड का यूज़ किया, एक बार आपने ब्रेड का पैकेट खोला उसके बाद उसका यूज़ किया, कुछ अनयूज्ड ब्रेड रह गई और आपने उस पॉलीथीन को ठीक ढंग से कवर नहीं किया तो उसके ऊपर एक हरे रंग की एक फफूंदी सी लग जाती है, वही कवक और फंगी है, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो फंगी या जो कवक है वो है उस ब्रेड को गलाने लगती है, सड़ाने लगती है, वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करती है, ठीक है। ये फंगी इस प्रकार से काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया में हम आते हैं,
आप कह सकते हैं कि एनिमेलिया में जो इन चारों के अलावा जितनी भी चीज़ें बच गई वो सभी एनिमेलिया में आते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सरीसर्प, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी इसी में आते हैं। हम क्या हैं? हम स्तनधारी हैं। पक्षी आप जानते हो, बर्ड्स, हमारे आसपास जितने भी बर्ड्स हैं। उभयचर जो पानी और पृथ्वी यानी जो जल में भी रह सके और थल पर भी रह सके वो उभयचर हो गया, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि इसके उदाहरण हैं। सरीसर्प यानी सांप वगैरह जो हैं, जो रैंक कर चलते हैं, वो इसमें आगे। कर्मी कीड़े, कर्मियों के बारे में भी कई प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम आगे और बात कर लेंगे। हाइड्रा, जेलीफिश, ये जलीय जीव हैं, ठीक है, ये सभी एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। अब फ्रेंड्स, साइंस, जीव विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम जीवों के नामकरण के बारे में जानेंगे। जीवों का नामकरण के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस लिन। अब ये क्या है होमो सेपियंस लिन? एक लैटिन नाम है, आपको ये पता है। इसमें प्रत्येक वर्ड का अलग अलग मीन है। देखिए, इसमें जो पहला वर्ड है होमो, ये एक वंश या एक उसके जेनरिक का नाम है, उसके वंश का नाम है। सेपियंस उसकी जाति या उसकी स्पीसीज का नाम है। वहीं जो लास्ट नाम है लिन, यह उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले ये नामकरण किया। अर्थात लिन, लिन का मतलब लीनियस से है। यहाँ उनकी एक शॉर्ट फॉर्म रखी जाती है लास्ट में। किसी भी आप कुछ उठा के देखोगे, किसी का भी आप अगर वैज्ञानिक नाम देखोगे, जैसे मेंढक का, बिल्ली का, कुत्ते का, गाय का, आम का, ये और भी जिन भी चीज़ों का आप नाम उठा के देखोगे, उनके लास्ट के अंदर एक वैज्ञानिक नाम ज़रूर दिया होगा। तो इसमें क्या होगा कि होमो वंश का उसकी स्पीसीज थी सेपियंस और लिन वैज्ञानिक का नाम। हालांकि फ्रेंड्स, ये इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है हमें इसके अंदर, लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता हो कि होमो सेपियंस लिन के अंदर वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हमें यह पता हो कि लिन है। अब आप उससे ऑप्शन में ढूंढ सकते हो कि लिन से मिलता जुलता नाम कौन सा है। लीनियस, लीनियस अगर कभी आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ यार लिन से लीनियस बनता है, तो आपने इसको कर दिया। हम यहाँ कोई जीव विज्ञान या बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। हम पेपर फाइट कर सके हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। हमें व्याख्याता नहीं बनना, ठीक है ना दोस्तों, हमें व्याख्याता बिल्कुल नहीं बनना। हमें सिर्फ क्या नॉलेज लेनी है। जब भी आप पेपर देने जाते हो, उसका एक सिलेबस उठाते हो, सिलेबस में हमेशा लिखा होता है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस का मतलब ये तो नहीं है कि वह आपसे पूरी डिटेल पूछेगा कि होमो सेपियंस कहाँ से आए थे, कौन सा वंश था, कौन सी जाति थी, या आप मुझे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताओ, या आप कुत्ते का वैज्ञानिक नाम बताओ, बैंगन का वैज्ञानिक नाम बताओ, या किसी और चीज़ का मेरे को वैज्ञानिक नाम बताओ, नहीं पूछेगा वो आपको। लेकिन बेसिक पूछ सकता है कि होमो सेपियंस लिन में वैज्ञानिक नाम कौन सा है, यानी जो खोज करता है या उस जिसने यह नाम सबसे पहले दिया था वह नाम कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंतिम है लिन, वह वैज्ञानिक का नाम होता है, ठीक है। होमो यहाँ वंश का नाम है और जाति है सेपियंस, ठीक है दोस्तों। अब क्या है ना सर, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वह एक बार का क्लियर है। हमें जीव विज्ञान के बारे में जो शुरुआत में इतिहास उसका जानना चाहिए था वो हम जान चुके हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप कुछ पुराने पेपर उठा के देखिए। मैं ये नहीं कहता कि स्टेट लेवल के हो, आप इंडिया लेवल के भी उठा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। आरएएस लेवल का उठाइए आप, आरएएस का उठाइए, आईएएस का, आरएएस का, या पटवार का, या आप टीचर लाइन के अंदर किसी भी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कांस्टेबल लेवल का, तो वहाँ आपको एक बेसिक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब ये आपको कब पता लगेगा? जब आपको हिस्ट्री पता हो। अब आपको ये भी पता होगा कि आजकल पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। लोगों को पता लगने लग गया कि यार ये चीज़ें तो बेसिक हो गई, उनको पता है, ये चीज़ें तो कॉमन हो गई, उनको पता है, तो वो उससे थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़कर। तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पर अगर आपको जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है।
तो आपको पता है कि थियोफ्रेस्टस, जिसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जूलॉजी का जनक या जूलॉजी के जो पिता है वो कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा 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 सबके बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिका से स्टार्ट करेंगे, और कोशिका की संरचना, कितने प्रकार की कोशिकाएँ होती है, क्या पार्ट होता है इनका, कोशिका में क्या क्या अंग हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।